देखिए प्रभाता ने हमारे राक्षस पीरों को घर बैठे ही भोजन दिया। राक्षस पीरों चारों दिशाओं पर चल रहे हो और जहां जहां बांगर भालू दिखाई दे उन्हें पकड़कर खा जाओ। उठना मरे राम भाई जैसी जैसी कर करी चल नाना प्रकार का भोजन करते हुए सारे सुख भोगे हैं और आज शरद फूल में तुम सभी को प्राण प्यारे लगे हैं। द्वार पर मैं सेनापति दंपत हमारा रथ तैयार किया जाए। आज हम स्वयं युद्ध में जाएंगे और उन पावर थालों को इस दृष्टता का मजा चढ़ाएंगे। वर्तमान का एक दायित्व है कि वे भविष्य की सुरक्षा करें, इसलिए हम स्वयं युद्ध भूमि में जाएंगे। सुरक्षित कदापि नहीं रह सकता, आप आदेश दीजिए और फिर कहिए मैं पानरदल में जाकर हाहाकार मचा दूंगा, पानरदल को छिन्न भिन्न कर दूंगा। एक बार मुझे आदेश दो, श्री श्री आएगा धन्यवाद जब अपने ही रंग में तो हाहाकार मचा देगा। मैं गाने हर मंजिल पर एक तुम्हारा स्वागत कदम चूमे रहे ब्रह्मांड मैदान का तेरी लड़ भीर पाई का पहले आकाश में सूरज तेरी लड़ भीर पाई का तेरे हर इस देश में बेटा नहीं जानता कि हम प्रभु राम के सेवक हैं। भूचाल का बेघूप प्रारब्ध का चक्कर जब तक हृदय में शांत हूं तब तक मले हूं, फर जाऊं क्रोध में तो प्रलय का भी महा प्रलय। आज्ञा दीजिए क्योंकि घननाद ने हमारी पान सेना को छिन्न भिन्न कर दिया है। मैं चाहता हूं कि रण में जाकर आज धन्यवाद को सरा के लिए तुला रख।
क्या हो लक्ष्मण? युद्ध भूमि में इतने शक्तिशाली मानता था, तो तू तो बालक है और तेरे से युद्ध करना मेरी शान के खिलाफ है। बच्चे यह सूर्प नखा की नाक नहीं, मेरी हिंसा की पीड़ा अब दीर्घ मिटाए की पत्नी, अब रोके काले लोहू गए भू नहाए की पत्नी। जो व्यक्ति साधु प्रवृत्ति का है जब लगा कलेजा फटने को तो लगी तक्षणा फटने को। बंधुओं, ये जो संवाद कर रहे हैं देवनाथ लक्ष्मण संवाद, ये दोनों पिता पुत्र हैं, जिनका नाम रिश्ते में पिता पुत्र मंच पर जो है मैं उठाता हूँ। किंतु कोई बात नहीं, आप यह इस एक रात का मेहमान है, सुबह उठते इसे परम पिता ब्रह्मा और स्वयं नारायण और आशुतोष भोलेनाथ महादेव भी नहीं बता सकते। लगी संभारण मुझे कि कहाँ है सेना, वापसी हो रही है और भैया दिख नहीं रहे, तो सोचता हूँ कहीं लक्ष्मण भैया ओह दुश्मन के अवतार है तो पृथ्वी ने उसको बैठे। लक्ष्मण कहाँ पर है?
सारी सेना लौट आई है, अभी तक लक्ष्मण दिखाई नहीं पड़ रहे। कब लगले आयु हनुमाना अनुज दुख प्रभु अति दुख माना। जाम बंच जाकर देश के लिए लेकर आइए, जो मेरा भाई पराई व्याकुल हो रहा है। जो आज्ञा प्रभु। एक से एक रुपए तुझे रामेश्वर की साहू लखमा देखना के लिए, 11 रुपए गुलाब सिंह की ओझा भोले बाला दुकानों की ओर से राम दुकानों में, 11 रुपए श्री गुलाब सिंह की ओझा लखमा देवी का भवन समेत रघुपति चरण सरोज सिर नाय उलाय सुसेन राम कहा नाम गिरो सधी जाहु पवन सुतले। मेरे भैया के लिए क्या हो गया है, देखिए और शीघ्र ही उपचार कीजिए। हे प्रभु, मैं तो भावन का वैद्य हूँ। हे वैद्यराज, क्या कहा, तुम रावण के वैद्य हो, लेकिन वैद्य का तो धर्म है कि वे रोगी का उपचार करें। जो आज्ञा प्रभु। क्या हो, घातनी शक्ति लगी है, अगर इनके प्राण बताना है तो अगर कोई द्रोणा नदी पर संजीवनी भूति सूर्य वगैरह होने से पहले लिया तो इनके प्राण बच सकते हैं। क्या हो, आती हुई दिख जाएगी। ठीक है तो प्रभु, और मैं जाना के लिए लेने को जा रहा हूँ। आयुष्मान भवा कीर्ति मान भवा। हे तात, आज मैं उस छोटे तपस्वी को व्यक्तियों के मुख पर छोड़कर आया हूं। का प्रयोग करके मूर्छित कर दिया है और रात में उसका उपचार होगा तो जीवित बचेगा, और यदि सूर्य देव उधर उदय हुए तो उस छोटे तपस्वी का बचना असंभव है। जय शंकर की, जय शंकर की। बहुत अच्छे बात, बस तुमने ये जो कार्य किया, तुम्हारा पिता नाचरज करता है, तुम्हारी जिससे उसके प्राण बचाएंगे उसके लिए कुछ उपाय करिए। क्या कहा, वही वाणा फिर से संजीवनी बूटी थोड़ा बिल्कुल लेने गया है। कौन है इस समय लंकन है, बस एक नाम उपहार में आता है, वो है हमारा पास कार्य। मुझे काल मन के पास चलना चाहिए। क्या हो, रावण काल नैन ग्रह कालेन 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 महाराज, कितनी रात को क्या आवश्यकता पड़ गई, आप मुझे बुला लेते। आपको आने की कष्ट क्यों दिया, कौन से शो
उस समय समर खोदने सूर्य अस्त होने तक उन्हें उसका रास्ता रोकना है। देखा तुम्हारी नगर त्याग दीजिए, श्री रामचंद्र का भजन कीजिए, इसी में आपकी सब प्रकार से भलाई है। कालेन शत्रु को विधाता क्या करूं, हूं विधाता क्या करूं, बड़ी मुसीबत आई है, इसे जाऊ तो पूरा जगह वाली खाई है। मैं तो आपके हाथों से मरूं, इससे तो मैं श्री रघुनाथ जी की एक सेवक की हाथों से मरूंगा तो मेरा सिया जी में उद्धार हो जाएगा। या हो, आप कहते हैं तो मैं जाने को तैयार हूँ, आप बताओ। मैं तो भेद बदलने में बहुत निपुण हूँ, कौन सा भेद आपको पसंद आएगा वह मुझे रोक देना, मैं आपको भेद बदलता हूँ। ये राक्षसी भी नहीं, ये राक्षसी वस्त्र है, उनको भी बदलो। अब ये प्रेम पुण्य वस्त्र है, उनको भी बदलो। अब ठीक है, अब ठीक नहीं, अब ठीक नहीं, उपहार करो। फिर राक्षसी वस्त्रों पर आ गया, पूरे रामलीला के बेहतर लगता है। और दूसरा रूप धारण करो। ये ठीक है नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये नकल है। असल पर आ जाओ। अपने उत्तम अनुपम जैसी आपकी आज्ञा। अब सबके शादी नहीं लगता कल्याण हो। आज कह जलारत सपट रही की दुनिया की बाजार सपट रही जो हमे तेरा रंग देना तेरा रंग आश्रम अति पावन है, समय बहुत हो चुका है, प्यास भी बहुत लगी हुई है और मुनिरु जो है कुटिया में बैठे हुए हैं, इनसे पूछकर के थोड़ा जलपान कर लूँ, उसके बाद अपना कार्य करूँगा। सेवक प्रणाम करता है, यह अपना कल्याण है, कल्याण है, श्रीराम जय राम। अच्छे भाग खुले मेरे, मैं रघुमय पूरे संत मिले, फिर पार लगा भवसागर से, बस बिल्कुल ही भगवंत मिले। इसलिए मुझे थोड़ा जल पिला दीजिए, हे कपिराज जल पीजिए।
भूत महारण रावण रामन कृपया राम न संशय रामन संशय नहीं है यहाँ रही मैं देखो भाई ज्ञान दृष्टि बल मोहि अधिकार हो कपिराज मेरी तो बहुत दूर की दृष्टि है मैं तो त्रिलोकी नाथ हूँ मैं यहीं से देख रहा हूँ कि राम जरूर जीतेंगे इसमें कोई प्रकार की संशय नहीं है मांगा जल की दीन कमंडल कह अपनी अधाम सूरे जिसको आप साधु समझ रहे हो वह साधु नहीं है घोर राक्षस है अच्छा। और आपका मार्ग रोकने के लिए रावण का भेजा हुआ है अच्छा। जिसको आप साधु समझ रहे हो वह साधु नहीं है घोर राक्षस है अच्छा। और आपका मार्ग रोकने के लिए रावण का भेजा हुआ है अच्छा। महाराज हाँ बोलो पहले आप अपनी दक्षिणा ले पहले आप मंत्र ले हो नहीं पहले मैं अपनी दक्षिणा दूंगा उसके बाद ही आपसे मंत्र लूंगा यह हो सुखैन ने बताया था कि बूटी ज्वाला की भांति चमकती है लेकिन यहां तो पर्वत ही ज्वाला की भांति चमक रहा है क्या किया जाए अगर लेकर जाता हूं और बूटी ना हुई तो इतना समय नहीं कि दोबारा आकर फिर ले जाए इसलिए जीवन को जग में जगमाया था तूने पैदा ही यदि करना था तो लक्ष्मण का भाग्य दिया होता अन्यथा आवाज़ के बदले पत्थर उत्पन्न किया होता धिक्कार इस तरह जीने पर जिस जीने में कुछ सार नहीं ठाकुर जी की प्रतिमा होते पूजा का अधिकार नहीं पर चलना है चल जाओ मेरे बाण पर दुर्गम को सुगम बनाऊंगा निश्चय ही मैं राम बन से गृह सहित में पहुंचाऊंगा मैं आपके बाण की तरह चला जाऊंगा
हो भारत भारत तब बाढ़ की तरह ही चला जाऊंगा। श्री श्रवण कुमार जी इनकी ओर से ब्यास जी महाराज के चरणों में, 11 रुपए श्री कोमल प्रसाद जी की ओर से जो है हनुमान जी महाराज के रात्रि बीत चुकी है अरे क्या क्या ओ प्यारी नसका कपिलायो अरे तू अरे तुम्हारा पुतवा बड़ा ही कोमल है सीता को अजरे से सिर चुराना है जय रहे अवधपुर में अरे माता को भूख गिलाना है संका फल याद के लगन बड़ा कर तप धन के लक्षण में पर रानी का सर हर पत्नी के सिपाही खोया श्री राम जय हो जय हो जय हो जय हो